हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी काव्य खंड में शीर्षक, उसके रचयिता और रचयिता के जन्मभूमि और उसका जन्म कब हुआ है, साथ ही साथ उसके मृत्यु के बारे में भी जानेंगे। पहला पाठ है आपका राम बिनु वीरथे जगी जनवा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके रचयिता है गुरु नानक जी और इसकी जन्मभूमि है तलवंडी ग्राम, लाहौर में पड़ता है, लाहौर स्थान है, पाकिस्तान देश का नाम है। और गुरु नानक का जन्म जो हुआ है 29 नवंबर 1469 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 22 सितंबर 1539 ईस्वी में। यह बहुत ही हाईलाइटेड वस्तुनिष्ठ बन सकता है, गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था, याद रखिएगा 22 सितंबर 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट पार्ट है आपका दूसरा पार्ट प्रेम आइनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारू। इसके रचयिता है रसखान जी, ठीक है, और इसका जन्मभूमि है पिहानी, हरदोई जिला पड़ता है और हरदोई जिला यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका तीसरा पार्ट अति सुदोषने को मारग है माँ अश्वानील वर्षो। इसके रचयिता है घनानंद जी और इसका जन्मभूमि है दिल्ली। घनानंद का जन्मभूमि कहाँ है, दिल्ली, और इसका जन्म जो हुआ है 1669 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी के रचयिता है बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, कौन है, बद्री नारायण चौधरी जी है स्वदेशी के रचयिता और इसका जन्मभूमि है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और इसका जन्मभूमि है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। इसका जन्म हुआ है 1 सितंबर 1855 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है भारत माता, ठीक है, भारत माता, इसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत और इसका जन्मभूमि है अल्मोड़ा, ठीक है, जो कि कौसानी उत्तरांचल में पड़ता है और इसका जन्म हुआ है 20 मई 1900 ईस्वी, ठीक है, और इसका मृत्यु हुई है 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। बहुत ही हाईलाइटेड है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला पाठ है आपका जनतंत्र का जन्म। इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी और इसका जन्मभूमि है सिमरिया बेगूसराय, जो कि बिहार में ही पड़ता है, और इसका जन्म जो हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में और इसका मृत्यु हुई है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट पार्ट आता है हिरोशिमा, ठीक है, इसके रचयिता है सही वात्सायन अज्ञे, ठीक है, पूरा नाम यहाँ दिया हुआ है, और इसके जन्मभूमि है, इसकी जन्मभूमि है, इसको याद रखिएगा, इसके जन्मभूमि है कसैया कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसका जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 ईस्वी में, 7 मार्च 1911 ईस्वी में, और इसका मृत्यु हुई है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है एक वृक्ष की हत्या। इसके रचयिता है कुंवर नारायण जी और इसका जन्मभूमि है लखनऊ के उत्तर प्रदेश, राज्य है उत्तर प्रदेश, और इसका जन्म जो हुआ है 19 सितंबर 1927 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है नौवां पार्ट हमारी नींद, हमारी नींद, और इसके रचयिता है वीरेंद्र अग्रवाल और इसका
जन्मभूमि है टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, और इसका जन्म हुआ है 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसका मृत्यु हुई है 28 सितंबर 2015 ईस्वी में। ठीक है, अब चलिए दसवां पाठ की ओर। दसवां पाठ है आपके सामने अक्षर ज्ञान। दसवां पाठ क्या है आपके सामने? अक्षर ज्ञान। इस अक्षर ज्ञान और इसके रचयिता है अनामिका। इसकी जन्मभूमि है मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में पड़ता है, और इसका जन्म हुआ है 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है लौट कर आऊँगा फिर। इसके रचयिता है जीवना आनंद दास, और इसकी जन्मभूमि है, इसका जन्मभूमि है बोड़ीसाल, जो कि बांग्लादेश में है, और इसका जन्म हुआ है 17 फरवरी 1899 ईस्वी में। मृत्यु हुई है 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी में। 12वां चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। इसके रचयिता है रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, इसका जन्मभूमि है प्राग बोहेमिया, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। इसका जन्म हुआ है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। मृत्यु हुई है 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। ठीक है, अब चलिए वर्णिका भाग टू का भी देख लेते हैं। वर्णिका भाग टू देखिए, शीर्षक है दही वाली मगम्मा। इसके रचयिता है श्रीनिवास जी, और यह भाषा है कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है, श्रीनिवास का पूरा नाम जानिए मारुति वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, और सुजाता का पूरा नाम है, वास्तविक नाम एस रंगराजन। ठीक है, और सुजाता का जन्म हुआ है 3 मई 1935 ईस्वी। वस्तुनिष्ठ में कई बार पूछा हुआ है, इसको नोट करके दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद है वर्णिका भाग टू में दूसरा पाठ आपका दही वाली मगम्मा। दूसरा पाठ है डहते विश्वास। ठीक है, डहते विश्वास है, इसके रचयिता है सात कौड़ी होता, और यह किस भाषा में कहानी है? उड़िया भाषा में है। ठीक है, तीसरा पाठ है माँ। ठीक है, माँ के रचयिता है ईश्वर पेटलेकर। माँ कहानी के रचयिता कौन है? ईश्वर पेटलेकर, और यह जो है गुजराती भाषा में है। किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। चौथा पाठ है आपका वर्णिका भाग टू में नगर, और इसके रचयिता है सुजाता जी, और यह जो है तमिल भाषा में है कहानी। पांचवा पाठ है धरती कब तक घूमेगी। इसके रचयिता है सावरदैया, और यह है राजस्थानी भाषा में। तो हमने वर्णिका भाग टू के भी शीर्षक, उसके रचयिता और किस भाषा में कहानी है सारे बता दिए हैं। साथ ही साथ काव्य खंड के पूरा शीर्षक, रचयिता, जन्मभूमि, जन्म, मृत्यु सारे बता दिए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे के पहले वीडियो में आपको गद्य खंड का बताए थे, और वह भी वीडियो आपको पसंद आया। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग एक बार कॉपी में नोट करके इसको याद करने का प्रयास कीजिए, और वस्तुनिष्ठ आपसे लगभग 50% बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।